दूसरों को सुनना एक कला कौशल है जो डेफिनेटली दुनिया बदल सकता है और बदलता भी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसको सुने, पर हम में से कितने हैं जो दूसरों को सुनने के लिए उत्सुक होते हैं? क्या हम दूसरों की सुनते हुए बीच में ही अपने विचार, अपनी सलाहें देने लगते हैं, या दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन करके हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? हम में से कोई भी सब कुछ नहीं है। हम सुनकर ही सच्चे मतलब में एक इंसान कहला सकते हैं और इस पूरे यूनिवर्स के एक्सपीरियंस एक दूसरे से हम बांट सकते हैं। वो कहते हैं ना, हमें सहनशील होने के लिए दूसरों की जिंदगी को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। करके देखिए ना, एक कल्पना के बेस पर आसानी से इसको समझा जा सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड की जहां हम दूसरों से एक्सपीरियंस और विचार दिमाग से दिमाग में बांट सकें। शायद ये तकनीक हमें एक पीस की ओर ले जाए। किसी और की सिचुएशन और समय को समझ करके हम अपने आप को एक नए नजरिए का गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। और ये गिफ्ट न सिर्फ हमारी वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन करता है, बल्कि नए नजरिए और नई विचारधारा से हमें पालता भी है, और जिससे जिंदगी में नई संकल्पनाओं का जन्म होता है, और ये कला, ये आर्ट हमें मिल जाता है। जब हम किसी सीरियल में बैठ करके उसको देखते हैं, या कोई सॉन्ग सुनते हैं, या किसी भी प्रेजेंटेशन का आनंद ले रहे होते हैं, तो हम अपने आप को उस कला का उपहार दे रहे होते हैं। हम कोई भी प्रेजेंटेशन देख या सुन रहे हो, चाहे कोई भी सीन हो, या कोई भी गतिविधि हो, या कोई भी गेम हो, एक्सरसाइज हो, ये हमें डिसाइड करना होता है कि उसको हम आत्मसात करें या ना करें। और ये भी सहन शक्ति बढ़ाने और अपने आप में एक डेवलपमेंट करने का, एक लाने का तरीका है।